राधे राधे, आज मैं कान्हा जी के सुंदर से मुकुट बना कर लाई हूँ। देखो ये मैंने 5-6 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है। ये मुकुट आप कितने भी छोटे और बड़े कान्हा जी के लिए बना सकते हो। देखो ऐसे मैंने इसको स्टोन से और वाइट वाले हाफ मोती से डेकोरेट किया है ऐसे। और एक मैंने ये छोटा सा मोती लेस से बनाया है, इस वाली लेस से काट के। ये आप अपने मैचिंग वाली लेस से भी बना सकते हो। ये बड़े छोटे कान्हा जी के लिए, दोनों के लिए बना सकते हो आप। छोटे कान्हा जी के लिए मैंने एक ही ये काट के लगाया है, बड़े कान्हा जी के लिए आप इसमें ऐसे 2-3 काट के लगा सकते हो। तो ये बहुत सुंदर मुकुट ड्रेस की मैचिंग का बन जाएगा। और ये वाले मुकुट मैंने स्टोन चेन से बनाया है। देखो ये बिल्कुल ये भी अलग लग रहा है। ये आप कितने भी बड़े और छोटे कान्हा जी के लिए बना सकते हो। ये बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बुकरम पे बनाया है। ये बाज़ार से गोल्डन लेस आती है, इसको मैंने गोल्डन लेस से बनाया है इस तरीके। ये फोल्ड भी ऐसे घूम भी जल्दी जाती है। आप सब मुकुट बुकरम पे ना बना के लेस पे भी बना सकते हो इस तरह। अब मैं इनको बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। चलिए अब मैं आपको ये बनाना बताती हूँ। सबसे पहले हम अपनी लेस से ये एक पत्ती काटेंगे, इससे हम अपने छोटे कान्हा जी का मुकुट बनाएंगे। आप ये वाले मुकुट अब मैंने इस लेस से ये काट के अलग कर लिया है। अब मेरे पास ये शाइनिंग वाली लेस है, मैं इसके ऊपर इसको ऐसे ग्लू गन से या फैब्रिक ग्लू से इसको पेस्ट करती हूँ। आपको जो भी इजीली लगे आप उससे इसके ऊपर इसको पेस्ट कर लीजिए। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा बचा के हम इसकी ऐसे कटिंग करेंगे। देखो अब हम इस पर थोड़ा सा ये लगाते हैं ग्लू और इसको इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर देंगे ऐसे। अब पेस्ट करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम थोड़ा सा तो इसमें यहाँ से छोड़ देंगे ऐसे। अगर आपके कान्हा जी ज़्यादा ही छोटे हैं तो आप बिल्कुल यहीं से कटिंग कर सकते हैं, फिर आपको ये प्लेन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ से बचा के करेंगे जिससे कि हमारा ये मुकुट और ज़्यादा सुंदर लगे ऐसे। देखो इस तरह हमने इस पे पेस्ट कर लिया है। अब हम एक कलावा लेंगे ऐसे और यहाँ पे पीछे ग्लू लगाएंगे ऐसे। अब हम इसके बीच में अपने इस कलावे को रख देंगे कि हमारा इधर भी रहे और इधर भी रहे ऐसे। अब हम इसके बीच में एक बुकरम की पट्टी काट के लगाएंगे। ये हमने छोटी सी बुकरम की पट्टी काटी है। अब हम एक बार इसके ऊपर फिर ये ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर ये बुकरम की पट्टी ऐसे पेस्ट कर देंगे देखो कितनी जल्दी हमारा ये छोटा सा मुकुट बनके तैयार हो गया है। और इसको हर कोई बना सकता है और इसको बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा। ये मुकुट आप अपनी हर ड्रेस की मैचिंग से भी बना सकते हो, किसी भी स्टाइल में काट के जिस जैसे भी आपको लगता है लेस से बना सकते हो। देखो ये हमारे कान्हा जी को पहना के भी बहुत सुंदर लगेगा ऐसे पहना के। और यहाँ हम पीछे बांध देंगे। आप इसमें वेलक्रो टेप लगाना चाहें तो वेलक्रो टेप भी लगा सकते हो ऐसे। अब मैं आपको एक दूसरी तरह का मुकुट बनाना बताती हूँ। हमारे पास ये नगों वाली लेस है और हमने इसी नाप की ये बुकरम काटी है ऐसे। अब हम इस पे ग्लू लगाते हैं अब पहले हम इस पे ग्लू लगाने के बाद कलावा लगा लेंगे बांधने के लिए ऐसे। हम इसके ऊपर ये लगा लेंगे कलावा। अब हम इस पे फिर ग्लू लगाएंगे और ये लेस लगा लेंगे नगों वाली। ये मुकुट भी बहुत इजी है बनाना, आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं ऐसे। देखो इस तरह हमने ये तैयार कर लिया है। ये देखो कलरफुल नक्शे कितना सुंदर लग रहा है। जो वाइट वाइट थोड़ी सी है हमारी बुकरम बच चमक रही है, हम इसको छोटी वाली सीजर से कटिंग कर देंगे
अब हम इसमें ये थोड़ा सा ये लगाते हैं ग्लू अपनी इस वाली लेस पे ऐसे, और इसमें ये 3 नग लगाएंगे हम ऐसे। देखो हम 4 4 नग की 4 लाइनें बनाएंगे। अगर आपने 2 लाइनें नग की ला रखी हैं तो आप फिर 4 4 नग की 2 लाइनें चिपका देंगे ऐसे। हमें इसका एक एक चकोर पीस बनाना है ऐसे पेस्ट करके। देखो अब मैंने ये 3 लाइनें लगाई हैं, आप 3 या 4 कितनी भी लगा सकते हो। और अब मैंने यहाँ पे इसको कट करा है। अब ये थोड़ा गीला है, जब ये सूख जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम इसको आराम से कट कर रहे हैं, अगर ये हिल गया तो फिर हम दोबारा से सेट कर देंगे, क्योंकि मैंने इसको फैब्रिक ग्लू से पेस्ट किया है। ऐसे अब हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे, क्योंकि नग नग ग्लू गन से अच्छे नहीं चिपकते हैं, इसलिए हमने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर ये लगाएंगे बिल्कुल बीच में ऐसे। देखो अब हम इसके पीछे इस तरह ही सितारे पेस्ट करेंगे। ये मेरे पास 2 3 कलर के सितारे हैं, अगर आपके पास एक ही कलर के हैं तो एक ही कलर के लगा सकते हो। ये भी मैं इसको इनको ग्लू गन से पेस्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे, यहाँ पे हम पिंक कलर का लगाएंगे ऐसे, यहाँ पे गोल्डन लगाएंगे, अब ब्लू लगाएंगे। देखो जिस साइड से हम इस सितारे को एक के ऊपर एक कर रहे हैं, हमें उसी साइड से ऐसे करके लगाना है। देखो इस तरह हमारे कान्हा जी का ये प्यारा सा मुकुट बन के तैयार हो गया है। ये अपने छोटे बड़े कोई से भी नंबर के कान्हा जी के लिए आप मुकुट बना सकते हो। अब मैं आपको एक बड़े कान्हा जी का ये मुकुट बता रही हूँ। ये मैंने एक पट्टी ली है, ये 1 इंच चौड़ी है और ये 5 इंच ऐसे लंबी है। ये अपने कान्हा जी के सिर के अकॉर्डिंग आप बड़ी छोटी ले सकते हो। इसमें यहाँ पर हम वेलक्रो टेप लगाएंगे, इससे ये मुकुट हमारा ऐसे बन जाएगा। अब हम इसमें सबसे पहले बीच में ये वाली लेस लगाएंगे। आप इसमें नगों की लेस या कोई भी लेस जो आपके पास है वो लगा सकते हो। ये मैंने डबल पट्टी ली है, सबसे पहले मैं ये सिंगल पट्टी पे ऐसे चिपकाया है। देखो ये अभी मेरी खुली हुई है ऐसे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से ऐसे। अब हम इसके ऊपर ये ऐसे डोरी आती है बाजार से, ये पर्पल कलर की ऐसे डोरी लगाएंगे। ऐसे ही हम ये यहाँ पे इसे दूसरी साइड लगाएंगे। अब जो हमारी ये बुकरम दिखाई दे रही है, जो ये हमारी डोरी है, सबकी कटिंग कर दें। अब हम इस पे ये डिज़ाइन लगाएंगे। अब हमने देखो इसको भी ऐसे डबल काटा है ऐसे। आप इसको फोल्ड करके ऐसे ऐसे देखो निशान लगाएंगे ऐसे, और फिर ये पान की शेप बना देंगे ऐसे। और ये हमारा इतना लेस पे ऐसे पेस्ट हो जाएगा ऐसे, और ये हमारा दिखाई देगा।
तो अब हम यहाँ पे इसको ऐसे बीच में से कर लेंगे ऐसे करके, और ऐसे थोड़ा सा अपने आइडिया से बीच में पेन से एक निशान लगाएंगे ऐसे। और अब हम इसमें एक नग लगाएंगे ये वाला वाइट वाला। अब इसमें जितने भी नग हैं वो सब हम फैब्रिक ग्लू से लगाएंगे। अब हम ये ग्लू को ऐसे चारों तरफ लगा देंगे। आप अपने इस पूरे सर्किल पे एक साथ लगा के भी छोड़ सकते हो, ये बहुत जल्दी नहीं सूखेगा। ऐसे थोड़ा अच्छा सा हम इसको पूरे पे हमें इसमें वर्क करना है। अब हम इस पे पहले ये रेड पत्ती वाले ये वाले नग लगाएंगे इसके चारों तरफ ऐसे। ऐसे चारों तरफ रेड नग लगा, देखो अब इसके बीच में हम ये हरे वाले नग लगा रहे हैं। इस तरह हमें इसको पूरा अच्छे से डेकोरेट करना है जिसमें हमारा डिजाइन बहुत सुंदर सा बन जाए। देखो अब हम इसके ऊपर ये नग वाली चेन लगा रहे हैं यहाँ पर ऐसे किनारे किनारे पर इसी शेप में जिस शेप में हमने इसको काटा है। जो हमारे नग चेन स्टोन है ये फैब्रिक ग्लू से अच्छे लगते हैं ऐसे। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे देखो इस तरह। अब हम इसके बीच में ये वाले नग लगाते हैं। हम यहाँ पे बहुत हल्का सा ग्लू लगाते हैं जिससे हमारे नग उड़ जाए। देखो छोटे वाला मोमे मोती है मेरे पास, मैं ये वाला मोती लगा रही हूँ यहाँ पर। ऐसे देखो अब मैं ये वेलक्रो टेप है मेरे पास ये ऐसे थोड़ी सी काटती हूँ ऐसे। आपको बहुत ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी थोड़ी सी काटी है और ये हम इसमें दोनों तरफ ऐसे लगा देंगे एक पीस इधर एक इधर। सबसे पहले हम इसको ऐसे बीच में से फोल्ड करते हैं और अपना ये यहाँ पे लगाते हैं। ये मैं इसमें ऐसे ग्लू लगा रही हूँ ऐसे, और इसको ऐसे बीच से पेस्ट कर रही हूँ इस तरह। मैंने इस लेस के बीच में भी ये नग वाली लेस लगाई है ऐसे। ये डिजाइन हमने ऐसे बनाया है देखो इस तरह। हमारे कान्हा जी का कितना सुंदर मुकुट तैयार हुआ है। अब हम इसको ऐसे रखते हैं और ये वेलक्रो टेप लगाते हैं। आप इसको ऐसे थोड़ा लंबा करके भी लगा सकते हो बीच में ऐसे। ये प्लेन वाली तरफ से इसके ऊपर लगाते हैं हम ऐसे। वेलक्रो टेप लगाते हैं। अब हम एक तो इधर लगाएंगे ये प्लेन वाली तरफ हमने अंदर करी है और ये खुरदुरी ऊपर करी है, और एक अब हम यहाँ ऊपर लगाएंगे। आप इसको दो तरह से लगा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं ऐसे करके।
और ऐसे यहाँ ऊपर भी लगा सकते हैं। अब हम इसको ऊपर ही लगा रहे हैं, ये ऊपर से आप इसको अगर ज़्यादा छोटा बड़ा रह जाता है तब भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट नाप लेना पड़ेगा। अब हम इसको धीरे धीरे हल्का हल्का गोलाई में ले आएंगे और ऐसे अपने कान्हाजी को उड़ा के पेस्ट कर देंगे इस तरह। देखो इस तरह कान्हाजी के सुंदर सुंदर मुकुट बन के तैयार हो गए हैं। आप थोड़ी इस तरह का भी बना सकते हो, फैंसी भी बना सकते हो, और अपनी ड्रेस की मैचिंग का भी बना सकते हो, और ऐसे भी बना सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।